रंग और हर्षोल्लास का त्योहार होली सामने है, लेकिन होली का रंग प्रमाण पर चढ़ता दिख रहा है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर जिले के बहोरा गांव और फौजी बिमल का आवास एक ओर होली के गाने और अबीर गुलाल से सराबोर रहा तो दूसरी ओर राजनीतिक रंग भी वहां देखने को मिला। वैसे तो कमोबेश सभी दल के लोग वहां आते जाते रहे, लेकिन महागठबंधन की सक्रियता कुछ अधिक ही था। होली गीतों में परंपरागत होली गीतों के साथ ही राजनीति से जुड़े गीत भी गाए जा रहे थे। नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी पर भी गीत गाए जा रहे थे। दिन के 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लोगों का आना जाना जारी था। इसमें जिले के गांव कस्बों से लेकर शहर तक के लोग शामिल हुए। हर आने वालों को फौजी बिमल कुमार रंग गुलाल से स्वागत कर खाना पर आमंत्रित करते थे। जानकारी हो कि फौजी बिमल जदयू के प्रदेश सचिव भी हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। इस होली मिलन समारोह को भी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। रंगों का त्यौहार है और हम लोग जो है सो यहाँ पे होली का मिलन समारोह रखे हुए हैं। सभी लोग जुटे हैं, आज बहुत अच्छा लगा। क्या क्या व्यवस्था की? सभी लोग का खाने सब का व्यवस्था था। सबसे बड़ा चीज़ है कि अपना जो है सो सबसे बड़ा पर्व है या सब लोग का मिलने का एक मौका मिल गया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कोरोना काल जो है बीच में रुका हुआ था, अब ये जो अच्छा लगा कि सब लोग एक साथ मिल रहे हैं। गाने बजाने का व्यवस्था की? बिल्कुल बिल्कुल। होली जो है सो रंगों का त्यौहार है। इसमें जितने पूरे जिला से लेकर प्रखंड के नेता सारे लोग आए हुए थे, सामाजिक लोग थे, सह पंचायत वाई लोग था जदयू का। और होली मिलन बढ़िया संपन्न हुआ है जो कल। हाँ, क्या कहेंगे? होली के अवसर से पूर्व जो आज होली मिलन समारोह आदरणीय फौजी बिमल जी के द्वारा रखा गया है, सबसे पहले तो हम फौजी साहब को बहुत बहुत बधाई देंगे कि आप इस महत्वपूर्ण मिलन का मौका दिया। और इस अवसर पर जो तमाम कांटी विधानसभा से लेकर के जिले के तमाम इलाके के जो लोगों ने भागीदारी लिया उत्साह उमंग के साथ, ये होली प्रेम और एकता का त्यौहार है। और हम संदेश देना चाहेंगे आदरणीय बिमल फौजी जी के द्वारा कि आप जो एकता बंधुत्व का जो परिचय दिया है इस होली के अवसर पर, तमाम लोग आपस में प्रेम भाईचारा बनाकर रखें और उत्सव के साथ उत्साह उमंग के साथ त्यौहार मनाएं। आज का ये त्यौहार जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, सुंदर व्यंजन की व्यवस्था, ये अच्छे पंडाल की व्यवस्था, ये तमाम आयोजन के लिए हम आदरणीय फौजी बिमल जी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई देते हैं कि आपने आयोजन करके साथियों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच उमंग उत्साह भरने का काम किया।